किसी नई चीज का आगाज है तो क्या वो गलत होगा? सही किस चीज का आगाज है ये बता नहीं सकता नहीं एक्चुअली हमारी बात चल रही थी एक कुछ मैगजीन कवर्स के लिए भी दे वांटेड टू शूट एंड एवरीथिंग और कहीं ना कहीं वो चीजें भी अटक रही थी बीच में यू नो बिकॉज आई वाज आल्सो बिजी विद समथिंग एंड लव वाज आल्सो बिजी तो हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया कि यू नो लेट्स मीट लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू और सारे जो होमवर्क है ऑफ कोर्स माय स्टाइलिस्ट एंड लव उन्होंने मिलके यू नो किस तरह से शूट करना है क्या करना है दाढ़ी बढ़ानी है नहीं बढ़ानी कितने दिन तक रखना है क्या करना है आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम फॉर श्योर अच्छा आपने इनको शेप में जरूर ला दिया मेरे ख्याल से मैं सुन रही थी वो सॉल्ट एंड वाटर वाली चीज क्या कहना चाह रही है इन द बेस्ट शेप मॉडल्स के साथ यार इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बहुत स्ट्रेनुअस टास्क है पानी बंद करना सॉल्ट बंद करना और यू नो खाना बंद कर देना बिल्कुल आई थिंक इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ योर बॉडी जैसे आप हो वैसे तो दे जाऊँ आपको फोटोशूट का बेसिकली मतलब यही है कि जितना ज्यादा आप डिफरेंट वैरायटी आप ट्राई कर सकें जितना ज्यादा आप कुछ नई चीजें आप ट्राई कर सकें आई थिंक तो लव के होने से यू नो और मेरी टीम के होने से आई थिंक यू कुड ट्राई द डिफरेंट वैरायटी और वो वैरायटी होगी तभी मज़ा आएगा तो भाई इसका उतना देखने वाले को भी कुछ मज़ा नहीं आता और करने वाले को भी मज़ा नहीं आता कि नहीं यार कुछ नया हो ही नहीं रहा सेम चीज़ें हो रही बार बार सो ही ऑल्सो सेज नहीं यार ये अच्छा लग रहा ओके हेयर नहीं अच्छा लग रहा नो चेंज द हेयर सो इंटरेस्टिंग स्टफ हैपनिंग है फोटोशूट तो आपने खैर पहले भी किया होंगे लेकिन इस फोटोशूट के लिए कितनी एक्साइटमेंट लगा इस फोटोशूट के लिए ज़्यादा मेहनत थी बहुत ज़्यादा क्योंकि आई हैव नेवर डन अ बॉडी शॉट एवर बिफोर दैट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम क्रेडिट गोज़ टू हिम पहली बार ही आई थिंक मैंने बॉडी शॉट किया है क्योंकि गंजीज वंजीज में किया है बट इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज यू कैन स्टिल हैव वाटर एंड एवरीथिंग बट टू शो योर स्टमक एंड शो योर चेस्ट एंड एवरीथिंग यू नो उसके लिए बहुत वाकई में मेहनत करनी पड़ती है तो बट दिस टाइम आई वॉन्टेड आई वॉज थिंकिंग नहीं यार कुछ ट्राई कर रहे हैं कुछ ग्रंजी ट्राई कर रहे हैं कुछ नया ट्राई कर रहे हैं हम लोगों ने टायर्स वायर्स का भी कुछ सोचा था उसके साथ करने के लिए तो लॉट ऑफ थिंग्स वी वर ट्राइंग और फिर बियर्ड के साथ वी वांटेड आई थिंक इट्स टाइम टू गो हॉट नाउ इससे पहले वाला जो लुक था वो आई गेस वो श्योर नहीं थे उसके बारे में एंड नाउ वही उसका दैट्स इट हां वो ब्रॉन्ज लुक की बात कर रहे हो ना बेसिकली हां मतलब बताएंगे ब्रॉन्ज लुक के बारे में क्योंकि एक सारा क्रेडिट इसी का था ब्रॉन्ज लुक का नहीं आई थिंक सबने जब हिमांशु को पहले देखा है टीवी पे आज अभी देखा इज बीन अ वेरी गुड बॉय लेस स्टेबल सोबर एग्जैक्टली सोबर सोबर इज सोबर इज आई एम स्टिल अ सोबर बॉय इट्स जस्ट फॉर द फोटो शूट मैन तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक द सोबर एलिमेंट कि ऐसे डाल ऐसी चीज कर दो जो नहीं की है बिकॉज इन्होंने मुझे पहले पहले जब हम फर्स्ट मीटिंग हमने की ही शूड मी ऑल हिज पिक्चर्स जो आई थिंक हर छह महीने में नहीं शूट करते रहता तो लास्ट पिछले तीन साल का मैंने पूरा स्टॉक देख लिया पूरा स्टॉक देख लिया बोला अच्छा ठीक है बट कहीं ना कहीं आई वांटेड टू डू डिफरेंस सो दैट्स वेयर वी प्लान कि हम एक ब्रॉन्ज लुक करेंगे बट एक के जगह हमने चार ब्रॉन्ज लुक कर दिए कुछ ज्यादा लालची हो गए हमारे कहने यहाँ कुछ ज्यादा अच्छा आ रहा है एक काम करते हैं ऐसा कभी ट्राई नहीं किया एक काम करते हैं घुस जाते हैं इसी चीज को करते रहते हैं बार बार हमने ब्रॉन्ज बॉडी पे लगाया इनके फिर फेस पे लगाया फिर दाढ़ी पे लगा सब जगह ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज आईब्रोज पे लगाने की बात हो रही थी शुक्र है फिर लेंसेज भी लगवा लिए कैमरे का शायद वो चेंज हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट कैमरा फॉर श्योर टीवी पे अगर बात करूं कैसे कमबैक कब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ इस बारे में एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल साइन अ कॉन्फिडेंशियलिटी व्हाट इज इट कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट सो यू कांट रिवील इट एज फार एज यू नो वंस दे रिवील इट द पीपल आपने ये बोल के मेरे से ऑडियंसेस की क्यूरियोसिटी और बढ़ा हाँ तो इस वो मैं भी क्या कर सकता हूँ मेरे भी हाथ पैर ऐसे बांध लेते हैं प्रोड्यूसर आज के लिए सर ये नहीं बोल सकते अब वो नहीं बोल सकते पहले हमारा शुरू हो जाए एंड ऑल दैट स्टफ सो आई थिंक द बिगर पीपल इन्वॉल्व्ड सो आई कांट से मच अबाउट इट बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग माई टीम नोज इट आई कांट से मच अबाउट देम बिकॉज ऑलरेडी शॉट विद देम बट अभी इस बारे में बोलो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आई थिंक प्रॉब्ली इन अ वीक्स टाइम और 10 डेज देन आई विल बी एबल टू गिव यू मच बेटर डिटेल्ड इंटरव्यू अबाउट दैट अच्छा ये काफी कॉमन कंपोज थे मैंने देखा बचपन से टाइम पे लेकिन ज्यादा परेशान नहीं किया मेरे ख्याल से मैंने परेशान किया ना आपको पूछ बहुत इन्होंने बहुत मेहनत की सी आई मीन द काइंड ऑफ डेडिकेशन ही हैड आज वो बॉडी शॉट करना आसान है और मेरे पास लोग आ चुके हैं पहले भी
बॉडी शॉट करना है लेकिन बॉडी होती नहीं, मतलब आई एम सेइंग हां नहीं वैसे लोग भी आते तो इज रियली वर्कड हार्ड ही स्लॉग्ड हिज एस आउट कि भाई आज तीन दिन पानी ना पीना सॉल्ट ना खाना मतलब यार मैं तो बहुत दूर दूर तक पानी बेसिकली निबल करना होता है निबल इन द सेंस यू जस्ट टच इट एंड थोड़ा सा हां बस इतना थोड़ा थोड़ा तीन दिन हां जी so it's so that the third day is less water then you reduce it then you reduce it then the last yesterday was almost like no water iska natija ye hai ha utarne pe gaye natija mere photo mein dikhega aapko natija photo mein dikhega aapko chalo jaldi jaldi last kuch kehna chahiye apne main bas itna kehna chahunga first of all thank you so much नच का जर्नी से पहले इतने सारे टेलीविजन शोज उसके बाद नच का जर्नी फिर खतरों के खिलाड़ी फिर उसके बाद BCL नाउ BCL इंटरनेशनल इज कमिंग यू गाइस हैव बीन रियली रियली सपोर्टिव टू ऑल दीज थिंग्स एंड आई एम श्योर ये जो नया अवतार है जो ब्रॉन्ज लुक अवतार क्रिएटेड बाय लव इसरानी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड यू विल डेफिनेटली आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल मे बी वॉन्टिंग टू सी मी इन अ डिफरेंट अवतार सो यू विल गेट टू सी मी इन अ डिफरेंट अवतार फॉर श्योर दिस आई कैन डाउट फॉर दैट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच